तो भाई यहाँ पर Realme 3 Pro यार ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च हो चुका, मिनी लॉन्च हो गया यहाँ पर YouTube पे। अगर आपने यार उसका प्रीमियर देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख चुके हो तो आज की वीडियो में यार उसी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या मिलेगा आपको Realme 3 Pro में। और यार इस वीडियो को चालू करने से पहले यार मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पर कोई डाई हार्ड फैन नहीं हूँ ना Realme का और ना ही यहाँ पर Redmi का। मैं एकदम बिल्कुल अनबायस आपको यहाँ पर अपने ओपिनियन दूंगा और बताऊंगा कि यार आपको एक कौन सा फोन यहाँ पर लेना चाहिए, कौन सा बेटर फोन है। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो सबसे पहले तो यार मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ऑलरेडी हम सबको पता लग चुकी है, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन मिलेगी वो है 6.3 इंचेस की, है एक LTPS LCD पैनल और ये फुल HD स्क्रीन आपको मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा और फोन की स्क्रीन की क्वालिटी यार काफी अच्छी खासी है। और अगर यार मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, मैं यहाँ पर बताना पहले भूल गया, मुझे लगता है बिल्ड क्वालिटी पहले बात करनी चाहिए थी। बिल्ड क्वालिटी इस फोन की यार पॉलीकार्बोनेट है, यानी कि प्लास्टिक बैक है, यहाँ पर किसी भी तरह की यार यहाँ ग्लास बैक देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरह के यार रूमर्स लीक्स वगैरह आ रहे थे शायद आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, उस तरह सा नहीं है। यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। और जो लुक है यार वो काफी हद तक यहाँ पर यार उनके खुद के Realme 3 जैसे ही है, थोड़ा बहुत यहाँ पर शेड में चेंज कर दिया लेकिन उस तरह का ग्रेडियंट वगैरह नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद इस फोन के अगर प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें यार 710 यानी स्नैपड्रैगन का 710 यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है काफी सही है। और 2.2 GHz पे है तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर काफी अच्छी है। और इसके जो बेंचमार्क्स वगैरह थे ऑलरेडी यहाँ पर लीक हो चुके थे, और लीक यहाँ पर जो आए थे वहाँ पर वो दिखा रहा था कि वहाँ पर 1.7 GHz वाला प्रोसेसर है, तो इस वजह से उसके जो बेंचमार्क स्कोर थे वो इतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर यार 2.2 GHz वाला यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है 710, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अब आगे इसकी मैं बात करूँ इसमें रैम की, तो यहाँ पर आपको जो जो वेरियंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेगा 4 और 64, और उसके बाद 6 64, और एक मिलेगा आपको 6 और 128 GB वाला। तो ये तीन वेरियंट्स में आपको देखने को मिलेगा। कलर शायद दो आएंगे यहाँ पर, ब्लू और ब्लैक वाला, और वो अलग अलग यहाँ पर शेड्स आपको देखने को मिलेगी। अब अगर मैं इसके आगे चीज़ों की बात करूँ तो इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 4045 mAh की। और यहाँ पर आपको यार USB-C वाला जो पोर्ट है आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको यहाँ पर माइक्रो USB जो चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है यहाँ पर वूक चार्जिंग। और ये जो फोन है यार वूक चार्जिंग की मदद से यहाँ पर आप इसको जो फोन को 25 मिनट में यहाँ पर 70% तक चार्ज कर सकते हो, तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त चार्जिंग है। तो सी टाइप हो या ना हो मुझे लगता है कि यार काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि अच्छी चीज़ है यार। चार्जिंग आपकी अच्छी खासी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो यार ये वूक चार्जर है आपको बॉक्स में ही मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यार बहुत सारे जैसे Redmi का मैं Note 7 Pro में भी आपको यार जो चार्जर है वो यहाँ पर फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में नहीं दिया गया, अलग से जाके खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर यार वो ऐसी आपको चीज देखने को नहीं मिल रही, आपको एक फास्ट चार्जर जो 5W 4A वाला जो चार्जर है 20W का, वो आपको बॉक्स में ही देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है यार ये काफी अच्छी चीज करी है Realme ने कि आपको अलग से चार्जर यहाँ पर खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर यार अब इसके आगे चीजों की बात करूँ तो वो है कैमरा। अब कैमरा यहाँ पर जो मेन यार इंटरेस्टिंग चीज होती है, बहुत सारे लोगों को कैमराज के लिए जानना होता है, यहाँ पर जो कैमराज है साफ साफ हमें पता लग चुका है, यहाँ पर जो कैमरा है वो है 16 MP का, और जो इसका सोनी IMX1519 का जो सेंसर है बहुत ही जबरदस्त सेंसर है। क्योंकि यार ये जो सेंसर है ये आपको यार जो OnePlus 6T में देखने को मिलता है, और जिसकी 60 की जो यार फोटोज हैं वो काफी जबरदस्त हैं। और इवन खुद यहाँ पर जो Realme यार काफी दिनों से यार पोस्ट कर रहे थे सैंपल्स वगैरह, तो वो बहुत अच्छे यहाँ पर फोटोज दिखने में आ रही है। लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि आपको इसका जो अपर्चर है वो है F1.7। तो यार अगर कैमरा के फीचर की बात करो तो यहाँ पर आप नाइटस्केप का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सुपर स्लो मोशन का एक ऑप्शन दिया गया है, EIS ये सपोर्ट करता है जो कैमराज। और उसके बाद अगर यहाँ पर बर्स्ट मोड का भी ऑप्शन दिया गया, तो फीचर्स वाइज बहुत अच्छे यहाँ पर कैमराज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैमराज मुझे लगता है बहुत जबरदस्त है। और सेकेंडरी जो कैमरा है वो है 5 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा होगा, पोर्ट्रेट वोट्रेट आप अच्छे से खींच सकते हो। और अगर मैं इसके सेल्फी कैमरे की बात करूं तो आपको यहाँ पर 25 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर है F2.0। और ये जो सेल्फी कैमरा है ये जो Realme का U1 जो कैमरा था उसमें जो सेम मेरे को लगता है वैसे का वैसे यहाँ पर दिया गया है। तो उसकी जो फोटोग्राफी थी यार Realme U1 की जो सेल्फी कैमरा की जो फोटोग्राफी थी वो काफी अच्छी खासी थी। अब मैं अगर बात करूँ इस फोन के और फीचर्स की यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो सिम स्लॉट दिया गया वो है ट्रिपल सिम स्लॉट, यानी कि आप 2 4G VoLTE वाले यहाँ पर सिम यूज कर सकते हैं। साथ में आपको एक डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है, तो Redmi Note 7 Pro की तरह नहीं है यहाँ पर कि आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं इस फोन के OS की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा वो मिलेगा कलर OS 6.0, और जो कि बेस्ड होगा एंड्रॉयड पाई पे, तो ये भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस है इस फोन की यार मुझे लगता है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, काफ़ी अच्छी है यार। स्पेसिफिकेशन भी आज भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और मैं यार अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो यार अगर मैं Redmi Note 7 Pro में या फिर Realme 3 में, तो Redmi Note 7 Pro मैं आपको जो स्नैपड्रैगन का 675 देखने को मिलता है, और जो यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन का 710 देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो डेफिनेटली यार यहाँ पर कई लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी जो Redmi के जो Note 7 Pro की जो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगेगी। ग्लास बैक है, काफी दिखने में भी अच्छा लगता है, प्रीमियम से लगता है, यहाँ पर इतना प्रीमियम देखने वाला नहीं है फोन। फिर भी यार अगर मैं आपको ऑनेस्टली यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर जो Realme 3 Pro है वो यहाँ पर मुझे स्लाइटली थोड़ा सा बेटर लगा परफॉर्मेंस वाइज,
यहाँ पर अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे, लुक की बात करोगे या फीचर्स की बात करोगे, क्योंकि थोड़े बहुत फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो में, तो वो थोड़ा वहाँ पर फीचर्स वाइज बेटर है। लेकिन जो अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करोगे तो मुझे लगता है कि रियलमी 3 प्रो है थोड़ा सा यहाँ पर बेटर है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फोन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप रेडमी का फोन लेना चाहते हो तो रेडमी नोट 7 प्रो यार डेफिनेटली आप ले सकते हो, अगर आप रियलमी का फोन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। दोनों ही फोन यार नेक टू नेक बहुत ज़बरदस्त है। अब प्राइस अगर मैं बात करूँ तो यार प्राइस क्या हो सकता है जो रियलमी 3 प्रो का, जो लीक्स है यार यहाँ पर उसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई प्राइस के बारे में, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लीक्स में आ गई थी, लेकिन प्राइस मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा शायद कम रख सकता है, 500 रुपये 1000 रुपये कम रख सकता है जो रेडमी नोट 7 प्रो से रियलमी। तो आपको शायद 12,999 में जो उसका बेस वेरियंट देखने को मिल जाएगा, शायद 13,499 भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कम रखेगा। और जो हायर वेरियंट जो होगा वो होगा 17,999 या फिर 17,499 जो 128 GB वाला जो वेरियंट होगा। तो ये तो थे यार ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन और मेरे कुछ ओपिनियन। आपको कैसा लगता है यार ये फ़ोन, जो रियलमी 3 प्रो या फिर रेडमी नोट 7 प्रो, दोनों में से आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो जरूर बताना यार कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको हमारा चैनल पसंद आया चाहते हैं हम इस तरह की और वीडियो लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो यार मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।